एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज आपके लिए बहुत ही इजी 4 रो का पैटर्न लेके आए, जो कि 5 के मल्टीपल पे चलता है, प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। बैक साइड से ऐसे दिखता है, राइट साइड से ऐसे। ऑल टाइप प्रोजेक्ट पे ये चल सकता है, बच्चों के, बड़ों के, कैप पे, सब पे बहुत सुंदर लगेगा बन के। सॉक्स पे भी डाल सकती हैं, कैप पे भी डाल सकती हैं, कार्डिगन पे भी, सब पर चलेगा, ऑल टाइप प्रोजेक्ट पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ओनली 4 मल्टीपल पे फंदे लिए हैं, तो 15 प्लस 4 19, 5 15 4 19। फर्स्ट फंदे को स्लिप कर लीजिए या बुन लीजिए, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। धागा अपनी ओर करके 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, 1 2 3। एज स्टिच को छोड़ के 2 और 3, 5 फंदे यही हमको बार बार रिपीट करने। फिर धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा, 2 1 3। धागा अपनी ओर, लास्ट में 3 फंदा बचा, 2 फंदा उल्टा बुनेंगे और एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। सेकेंड रो देखिए, 2 पीछे करेंगे, जो 2 फंदा हम उल्टा बुने थे उधर से, वो 2 फंदा इधर से हमारा सीधा हो जाएगा और 3 फंदे उल्टे ही रहेंगे। एज स्टिच को छोड़ के 2 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, 5 फंदे फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदा सीधा, 1 2 3, 1 2 1 2 3, लास्ट में 2 फंदा सीधा, एज स्टिच उल्टा। थर्ड रो में देखिए, एक बार यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। अभी जो बीच का फंदा है ना, इसके तीसरे होल में नेडल को डालेंगे, थर्ड होल में, और एक लूप निकाल लिए, थोड़ा लॉन्ग लंबा। 1 फंदा सीधा, 2 सीधा, 3 सीधा, एक बार और इसी होल में नीडल को डालें, एक एक्स्ट्रा लूप हम थोड़ा लूज निकाल लिए, ठीक है। अब आ जाइए, 2 फंदा उल्टा, एक बार और ध्यान दीजिएगा। देखिए, बीच के में से 1 2 3, थर्ड होल में ऐसे हम नीडल को डालेंगे और एक एक्स्ट्रा लूप निकाल लेंगे। थोड़ा लूज, 1 2 3, सेम इसी होल में फिर नीडल डालेंगे, एक एक्स्ट्रा लूप निकाल लेंगे। हो गए, 2 डिज़ाइन हमारी तैयार हो गई। 2 फंदा उल्टा, एक बार और देख के, थर्ड होल में
एक एक्स्ट्रा लूप निकाल लें, एक फंदा सीधा, एक सीधा, तीन सीधा हो गए। सेम इसी होल में नीडल को डालेंगे और एक एक्स्ट्रा लूप निकाल लिए, ठीक है। यहाँ से लेके हमारे तीन डिज़ाइन तैयार हो गए। अब एक बार हम दो फंदा उल्टा, अब आइए इसके उल्टे साइड में क्या करना है, दो फंदा सीधा बुनेंगे, इसको स्लिप कर लेंगे लूप वाले फंदे को, तीन फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। तीन फंदा उल्टा बुनेंगे, लूप वाले फंदे को स्लिप कर देंगे, दो फंदा सीधा, लूप वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे, दो फंदा, इसको स्लिप कर दिया, एक दो। फिर देखिए इस लूप वाले फंदे को ऐसे स्लिप कर देंगे, एक दो तीन, फिर लूप वाले फंदे को स्लिप कर दिया, दो फंदा सीधा, एज स्टिच उल्टा। अब हमारे बड़े हुए फंदे हैं, इनको हमको कम करना है। तो देखिए राइट साइड में आ गए हम, दो फंदा उल्टा। अब इस लूप वाले फंदे को हम ऐसे मोड़ देंगे, अब इसके साथ में दो का बैक साइड से एक कर देंगे, एक फंदा सीधा, अब एक और सीधा, इसको नहीं सीधा नहीं बुनेंगे, इसको ऐसे राइट साइड से नीट बाई करके बुन लेंगे। देखिए हमारा एक डिज़ाइन तैयार हो गया, दो फंदा उल्टा। एक बार और ध्यान से देखिए, इस लूप वाले फंदे को ऐसे मोड़ लेंगे, एक फंदा सीधा, दो, अब इसको सीधे की तरह इसको बना लेंगे। देखिए दो डिजाइन तैयार हो गया। एक बार और करते हैं, इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और दो का एक कर दिए, दो, और इसको सीधे की तरह ऐसे नीडल डाल के कर लिए। अब हमारे फंदे बराबर में आ गए, अब इसको सीधा बुन लेंगे। बैक साइड से दो फंदा सीधा, जैसे दम को जो दिखाई देंगे फंदे वैसे ही बनाएंगे, तीन फंदा उल्टा, जैसे दिखाई दे रहे हैं फंदे वैसे ही बनाना है आपको, एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन, एक दो। देखिए आपका इतना सा पैटर्न तैयार हुआ, जिसमें तीन फूल तैयार किए। देखिए आगे बनाते हुए जाएंगे तो आपका पैटर्न कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो लास्ट में मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।